हाय फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट डॉक्टर अमित। आज नो टबैको डे है, 31 मई। ये सेलिब्रेट करते हैं हम WHO द्वारा 1987 से। इसका एक मेन रीज़न है कि स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग एक मेजर एपिडेमिक है जो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर साल 8 मिलियन डेथ्स होती है जिसकी वजह से, और ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन डेथ्स जो हैं वो सेकेंडरी स्मोकिंग के कारण होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे स्मोकिंग किस तरह से आंखों को डैमेज करती है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखें, स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो डे बाय डे एक एपिडेमिक का फॉर्म ले रही है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि स्मोकिंग से सिर्फ लंग्स डैमेज होते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्मोकिंग से आपकी आईज पे भी डैमेज होता है। इसमें अगर अपन मेनली देखें, टू स्टार्ट विद, सबसे पहली प्रॉब्लम जो देखी गई है, स्मोकिंग के अंदर ऑलमोस्ट 4000 टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो आपकी आईज और बॉडी को डैमेज करते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें, एज रिलेटेड मैक्युला डीजनरेशन, ये देखा गया है 40 साल के बाद ये जो बीमारी है स्मोकिंग पेशेंट्स के ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ जाती है ऑलमोस्ट नॉर्मल मरीजों से। इससे आपके पर्दे का जो मैक्युला होता है वो डैमेज हो जाता है, जो कि आपका मेन सेंट्रल विज़न आपको प्रोवाइड करता है। तो स्मोकिंग एक मेजर कॉज है एज रिलेटेड मैक्युला डीजनरेशन का। सेकेंड, अगर हम देखें, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद स्मोकिंग वाले पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा मिलता है और अर्ली एज में होने के चांसेस भी होते हैं, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, ड्राई आई। ड्राई आई आजकल कंप्यूटर यूजर्स में कॉमन है, बट ये देखा गया है कि वो लोग जो स्मोक करते हैं, काफ़ी आईटी के लोग हम देखते हैं जो इन इंटरवल नीचे आके अपना स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर ये ड्राइनेस को बढ़ाता ही है। तो ऑलरेडी आप कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, उससे आपकी ड्राइनेस बढ़ी रही है, और ऊपर से स्मोकिंग से ये चीज़ एकदम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये अवॉइड करें। वर्क प्रेशर को रिलीव करने के और भी तरीके हैं। देन कम्स द फोर्थ इज़, इसके अंदर देखा गया है कि आपको स्मोकिंग से यूवीआईटिस करके एक बीमारी होती है, उसके होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें एक तरह से शरीर अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है। ये पेशेंट्स कम होते हैं, रेयर होते हैं, बट स्मोकिंग यूवीआईटिस का एक मेजर कॉज है। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, तो ये देखा गया है कि स्मोकिंग के कारण काफ़ी लोगों को एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़, उस डायबिटीज़ से डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रोग्रेशन फास्ट हो जाता है। अगर किसी को ग्रेड 1 है डायबिटीज़ के कारण, पर्दे पे चेंजेस जो हैं, तो वो तेज़ी से बढ़ सकते हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक भी बढ़ सकते हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट बोनस पॉइंट इसमें ये है कि जो लोग प्रेगनेंसी के टाइम स्मोक करते हैं, वो अपने खुद को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ वो अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों में देखा गया है उनके बच्चों में स्क्विंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एक बीमारी होती है जिसके अंदर पर्दा पूरा नहीं बन पाता है बच्चे का, उसे कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जो अपनी स्मोकिंग है ये आपकी आँख की नस को कमज़ोर करती है, जिसे कहते हैं ऑप्टिक अट्रॉफी, जिससे आपकी रात की नज़र, कंट्रास्ट, कलर परसेप्शन, सभी चीज़ें कमज़ोर होती है। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमने देखा है, जो लोग तंबाकू का मंजन करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, हम कभी ऑपरेट करते हैं उनको लोकल एनेस्थीशिया देते हैं या टॉपिकल एनेस्थीशिया देते हैं सर्जरीज में हमारी, उनको जल्दी असर नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्ट्रेस लेवल आप लोगों का हाई है आजकल, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके हैं, आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, बट स्मोकिंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर। स्पेशली यंगस्टर्स को ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको मेडिकल अटेंशन सीक करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको छोड़ना चाहिए। साथ में हमको ये ध्यान रखना है, सेकेंडरी जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो आपकी फैमिली मेम्बर्स को डैमेज करती है। आप स्मोक करते हैं बट आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके घर वालों पे भी इन चीज़ों का असर होता है। तो आई थिंक मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा स्मोकिंग के जो साइड इफ़ेक्ट हैं आईज़ पे, उनसे बचने में, और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। आपके कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई विल लाइक टू आंसर। थैंक यू।